सजेस्ट करना चाहूँगा, जिस तरह से हमारे सिटिंग का वे है, किस तरह से हमारे MOTs हैं, मूवमेंट ऑफ ट्रूथ, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगर हम बैठते हैं तो कितने कंफर्टेबल जोन में आ रहे हैं। अगर आप इस पे एनवायरनमेंट देखें, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरह से एक कार के अंदर अगर आप बैठते हैं, क्या आप उसको फ्रेश फील करते हैं। डेफिनेटली जिस तरह से एटमॉस्फेयर का रोल होता है, उसी तरह से जब आप कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आप हायर लेवल में जा रहे हैं, तो क्या आप उस एनवायरनमेंट में हैं जहां आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको वो कंफर्टेबल जोन में लेके जाएगा, जिस तरह से एक कंफर्टेबली आपकी कार मूव कर रही है, उसी तरह से आपका कैरियर मूव होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कई कंपनीज में जो एम्प्लॉयज हैं वो मेजरली हमें ये कहते हैं कि क्यों हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई, क्यों हमारे पैकेज या जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है, क्या हमने, जैसे आपने अलग अलग फीचर्स और अलग अलग व्हीकल्स यहाँ पे देखे हैं, उसी तरह से हर पर्सन की पर्सनैलिटी में कुछ कैपेबिलिटी मेट्रिक्स, जिसको हम KPIs बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, क्या हमने अलग अलग फीचर्स को अपनी पर्सनैलिटी में, अपने कैरियर डेवलपमेंट में यूज किया है